करने पर सर इसके बारे में आप बताएं, आप लोग पिछले दो दिनों से संघर्ष जो संगीत समिति आप लोगों की धरने पे, इसके बारे में कुछ बताएं। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा हम कल से पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों के ऊपर एक बैनर के नीचे राजस्थान की समस्त नर्सेज संघर्ष कर रही हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमारे यहाँ पे जयपुर में जो धरना दिया जा रहा है जयपुर जिले का, वो SMS हॉस्पिटल में किया जा रहा है। कल SMS हॉस्पिटल की तरफ से धरना दिया गया था और आज हम ये जेकेलोन हॉस्पिटल के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, जिसका नेतृत्व गोविंद शर्मा जी कर रहे हैं। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों को लेकर पिछले 4.5 साल से सरकार से हम सक्षम स्तर पर वार्ता के लिए बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु ज्ञापन देने के बाद में भी कोई हमारी सक्षम स्तर पर कोई वार्ता हुई नहीं है। तो इसको लेकर के हमारे समस्त नर्सेज में रोष व्याप्त है और इसको लेकर के आपकी वो 11 सूत्री मांगे क्या है जिसको लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? 11 सूत्री मांगों में सबसे मुख्य मांग है हमारी दिल्ली और राजस्थान की जो वेतन जो विसंगति है उसको लेकर है, ड्रेस कोड है, पृथक से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना है, ANM LHV और जो नर्सिंग ट्यूटर है उनका पदनाम है, ANM LH जो संविदा कर्मी जो है उनके वेतन को लेके है, उनके नियमितीकरण को लेके है। उनका अभी जो दिल्ली में वेतन दिया जा रहा है और जो राजस्थान में वेतन दिया जा रहा है, कितना फर्क है? हमारा बेसिक प्रारंभिक जो प्रथम पोस्ट जो होती है उस पे 7,100 लेके और 22-23 हज़ार रुपए तक का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारे वेतन में बहुत ज्यादा विसंगति है। वेतन भत्तों में जैसे वहाँ नर्सिंग अलाउंस 7,200 रुपए दिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे मात्र 600 रुपए नर्सिंग अलाउंस के दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा वेतन विसंगति को लेकर धीरे धीरे, और सबसे बड़ी मांग आपकी बार की जो वेतन जो बजट घोषणा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9, 18, 27 साल की जो ACV दी जा रही है उसमें अब की बार जो अग्रिम वेतन पद की पदोन्नति पर जो 18 साल पे और 27 साल पे जो हमारे को जो वेतन दिया जा रहा है वो 5400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो इसको लेकर हमारे बहुत सारी वेतन विसंगतियां प्रोड्यूस हो गई हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कल SMS की तरफ से था, आज ज्वार JK लोन की तरफ से है, तो क्या हर दिन अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से रहेगा? जी, राजस्थान यहाँ जयपुर के अंदर आज जैसे JK लोन की तरफ से दिया जा रहा है, कल आने वाले दिन कामोटिया हॉस्पिटल धरना देगा। ऐसे इसी तरीके से SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच समस्त जो हॉस्पिटल हैं वो नंबर से सारे हॉस्पिटलों का धरना होगा। और उसके साथ में जो जयपुर जिले के जो ब्लॉक जो हैं जैसे चाकसू है, दूदू है, गोविंदगढ़ है, विराटनगर है, ये ब्लॉक भी साथ में धरना देंगे। और जब तक धरना देंगे ब्लॉक, क्या वो यहीं पे आके देंगे या कहीं और वहीं के वहीं धरना देंगे? जयपुर जिले के समस्त ब्लॉक और सारे हॉस्पिटल यहीं आके धरना देंगे, सभी का एक ही जगह पे धरना है। और आज का धरना जेकेलोन हॉस्पिटल के नेतृत्व में दिया जा रहा है जो ये गोविंद जी शर्मा जो है। क्या आप लोग सरकार से वार्ता हुई आप लोगों की कुछ? अभी कोई सक्षम स्तर पर कोई वार्ता हुई नहीं है हमारी अभी तक, और हम यही आशा कर रहे हैं कि भाई हमारी सक्षम स्तर पर कोई वार्ता हो और हमारी मांगों के ऊपर कोई सुनवाई हो, ताकि हमें मजबूरन जो है वो हमारा प्रयास ये है कि वार्ता हो जाए और हमारी मांगों का समाधान हो जाए। नहीं अगर ऐसा होता है तो आक्रोशित होकर नर्सेज को 23 अगस्त को हम पूरे राजस्थान की एक बड़ी रैली यहाँ SMS में करने जा रहे हैं। मैं अनेश सैनी, जिला संयोजक। आज का जो धरना है वो जेकेलोन अस्पताल जयपुर की ओर से दिया जा रहा है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार का जो है हमारी जो लंबित मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षण के लिए ये चरणबद्ध तरीके से जो है धरने पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, सभी जिलों के अंदर चल रहे हैं। इसमें विशेष जो जितनी भी 11 सूत्री लंबित मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी ज्वलंत मांग जो अभी विशेष है उसमें 9, 18, 27 का जो ACP है उसमें 18 और 27 का जो ACP है उसकी ग्रेड पे 5400 रखी गई है, जबकि समकक्ष जितने भी जो दूसरे विभाग हैं वहाँ पे सेकंड ग्रेड में जो भी लगते हैं उनका जो है ग्रेड पे 6000 और 6800 पे रखा गया है। दूसरा क्या है, हमारे उच्च शिक्षित जितने भी नर्सिंग साथी हैं उनको ठेके के द्वारा और बहुत मिनिमम से मिनिमम जो है उस पे पर ठेके के द्वारा उनको जो है हॉस्पिटलों के अंदर जो है कार्य करने के लिए बाधित किया जा रहा है, जबकि ये बहुत ही गलत है। ठीक है, हमारे ऑल ओवर राजस्थान में टोटल जो नर्सिंग कैडर गवर्नमेंट सेवाएं में दे रहा है वो करीब 50,000 से ऊपर है, और आने वाले समय में यदि सरकार ने हमारी मांग को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा, और आने वाले चुनाव में यदि हम सरकार का विरोध करेंगे। आप देखिए कि एक MSc नर्सिंग स्टाफ, एक BSc नर्सिंग स्टाफ, डिग्री डिप्लोमा वाले प्रोफेशनल आदमी एक स्वीपर से फोर्थ क्लास से भी कम ग्रेड पर मात्र 7,900 रुपये में मेडिकल कॉलेजों में गवर्नमेंट लगा रही है, ये न्याय संगत कतई भी नहीं है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सेकेंड ग्रेड पर लगने के बाद 27 साल की सर्विस करने के बावजूद भी आदमी को थर्ड ग्रेड से रिटायर करने का ये जो फॉर्मूला सरकार ने लगाया है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
और आने वाले शब्दों में श्री सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम बिल्कुल रोड पे आएंगे। इसके जिम्मेदार स्थानीय चिकित्सा मंत्री होंगे और स्थानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे। जो अभी मतलब नर्सेज हैं क्या वो काम पे रेगुलर हैं या वो भी अभी काम से? नहीं, नर्सेज सभी अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और सिर्फ ये ध्यान आकर्षण के लिए धरना जो है अभी दिया जा रहा है। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमारी जो जितनी भी लंबित मांगे हैं उनका त्वरित समय के अंदर जो है उसका समाधान करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर क्या है कि 23 अगस्त को सभी राजस्थान की नर्सेज जो है अगले महीने करीब अगले महारैली जो है जयपुर के अंदर 23 अगस्त को की जाएगी।